द्रुग के पाटिया स्थित द्वारकापुरी हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी में श्री राधा कृष्ण बजरंगबली और शिव दरबार की भव्य प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता ली। छत्तीसगढ़ की धार्मिक नगरी दुर्ग के पोटिया में स्थित द्वारकापुरी हाउसिंग सोसाइटी में श्री राधा कृष्ण बजरंगबली और शिव दरबार मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किए जा रहे 3 दिवसीय आयोजन पर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने मीडिया से चर्चा कर इस भव्य आयोजन के बारे में जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के प्रधान पंडित आचार्य डॉक्टर विक्रांत दुबे द्वारा किया जाएगा। बता दें, इस भव्य आयोजन को लेकर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बताया कि शिवनाथ नदी तट पर यजमान पूजन एवं 10 विधा स्नान के साथ शुरुआत किया जाएगा। साथ ही पोटिया तालाब से सैकड़ों महिलाओं द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान पत्रकार वार्ता में कांग्रेस महामंत्री राजेन्द्र साहू, आलोक चंद्राकर, बंटी शर्मा, राहुल शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। तो छत्तीसगढ़ धर्म की नगरी है और धर्म की नगरी जो है वह दुर्ग है। दुर्ग के द्वारकापुरी में द्वारकाधीश स्वयं भगवान राधा कृष्ण आने वाले हैं। राधा कृष्ण जी की भव्य प्राण प्रतिष्ठा द्वारकापुरी में की जा रही है, जो कि पोटिया दुर्ग में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण विभिन्न देशों के आए हुए विशिष्ट प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा किया गया, जिसमें नांदेड़ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के कलाकार विशेष रूप से कार्य किए हैं। मंदिर में राधा कृष्ण जी की, शंकर परिवार की और बजरंगबली की मूर्ति है, जो कि राजस्थान जयपुर से मंगाई गई है। 3 दिन का आयोजन है, दिनांक 12 से 14 फरवरी तक, जिसमें कलश यात्रा 12 तारीख को निकलेगी, जिससे मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जलादिवेश, फलादिवास, पुष्पादिवास, विभिन्न प्रकार के फलादिवास करने के पश्चात मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, हवन पूजन किया जाएगा। इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रसिद्ध विश्वविख्यात कलाकारों द्वारा भी प्रस्तुति भजनों के माध्यम से दी जा रही है। आयोजन में हमारे जो हवन और पूजन के मुख्य पंडित हैं, वे आचार्य डॉक्टर विक्रांत दुबे जी हैं, जो कि प्रसिद्ध पंडित भी हैं और डॉक्टर भी हैं, संस्कृत में डायरेक्टर किए हुए हैं विद्वान आचार्य जी। उनके पूरे सानिध्य में अन्य राज्यों और प्रदेशों से आए हुए पंडितों के उपस्थिति में यह आयोजन होगा, पूरे विधि विधान से होगा। हम दुर्ग शहर के सभी धर्म प्रेमियों से आग्रह करते हैं कि द्वारकाधीश की नगरी द्वारकापुरी में विराजमान होने वाले राधा कृष्ण शंकर परिवार और बजरंगबली की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होवें और धर्म का लाभ लोवें, जिसमें भंडारा का भी आयोजन किया गया शहरवासियों के लिए। आप सभी से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हैं। दुर्ग शहर के दक्षिण में स्थित ग्राम पोटिया कला के पावन भूमि में द्वारकापुरी हमारा कानूनी है, हम लोग वहाँ निवास करते हैं। वहाँ भगवान श्री राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण हो रहा है, साथ में भगवान हनुमान जी और शंकर परिवार के मूर्ति की स्थापना हो रही है। उसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह द्वारकापुरी हाउसिंग सोसाइटी के द्वारा दिनांक 12, 13 और 14 फरवरी को रखा गया है, जिसमें विभिन्न आयोजन हैं। उसमें सभी शहरवासी और आसपास के लोग उसमें भाग ले, सम्मिलित हो, इसलिए आयोजन किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें सहभागी बने, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आए और उसका लाभ ले और भगवान का आशीर्वाद ले। राजस्थान से लाए हैं, जयपुर से, और बहुत सुंदर मूर्ति है, भगवान राधे कृष्ण की मूर्ति हो और हनुमान जी की, शंकर भगवान की, माता पार्वती की, गणेश जी की और कार्तिकेय भगवान की। द्वारकापुरी सब दोस्तों ने तय किया, जो लोग निर्माण कर रहे थे, कि इस कॉलोनी का नाम क्या रखें, बोले द्वारकापुरी रखना चाहिए, ताकि पिताजी, मेरे पिताजी का नाम था द्वारका प्रसाद साहू, वो लोगों ने कहा कि इसका नाम द्वारकापुरी रख देते हैं, बढ़िया रहेगा और कॉलोनी भी उसी को ध्यान में रखकर बहुत सुंदर कॉलोनी बना हुआ है। और मंदिर का भी निर्माण बहुत सुंदर हुआ है, नांदेड़ से कारीगर आए थे ऊपर के गुम्बद को बनाने के लिए, नीचे भी जो काम हो रहे हैं बहुत सुंदर हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम सबको भगवान का आशीर्वाद आने वाले समय में अच्छे से मिलेगा। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।